हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल भी आते हैं जी हाँ लगभग चार से छ नंबर का बिजनेस स्टडीज में एक न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से है बाकी किसी भी चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम से क्लास एक डिफरेंस निकालने को बोल सकता है कि भाई अगर इतना वेज दे रहे हैं इन एफिशियंट वर्कर को एफिशियंट वर्कर को इतना वेज दे रहे हैं तो क्या डिफरेंस होगा वो एक नंबर का मैक्स टू मैक्स बट यहाँ पे मैं आपको चार नंबर मान के चलता हूँ कि फोर

आपको दो चीजें पता होना चाहिए आर ओ आई इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसी चीज को रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं अपने अकाउंटिंग रेशियो

अर्निंग पर शेयर ये तुम्हें गिवन दिया रहता है क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसमें से इंटरेस्ट आप घटा दोगे आएगा प्रॉफिट क्लास बिफोर टैक्स पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर उसमें से टैक्स पेमेंट कर दोगे तो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये जो प्रॉफिट टैक्स के बाद है इसको डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर जितने नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में होंगे तुम्हारा अर्निंग पर शेयर निकलाएगा लाइक प्रॉफिट अगर दो कमाया और दस शेयर से तो हर शेयर ने जो है बीस कमाया इसके आगे हमेशा पर शेयर लगता है इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर हर शेयर ने बीस कमाए मैं

ओके okay, सर हमें आर निकालना आ गया पीबीएट अपन कैपिल हंड्रेड ईपीएस हमें निकालना आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है रूल क्या है आपको आर और रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करना है अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं इन्वेस्ट करके पंद्रह परसेंट कमा रहा हूं लेकिन मैं जो उधार ले रहा हूं वो सिर्फ दस परसेंट पे है तो पांच परसेंट का फायदा है तो अच्छी चीज है तो इस सिचुएशन में डेट आप इशू करो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप डेट इशू करो डेट इशू करोगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा मतलब अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो डेट से पूरी करो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा हमेशा नहीं बढ़ता अर्निंग पर शेयर जब आर ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से तब डेट इशू करने से तुम्हारा अर्निंग पर पर बढ़ेगा। इसको फेवरेबल फेवरेबल लीवरेज लीवरेज बोलते बोलते हैं क्या क्लास लेकिन अगर आपका कम है और से आठ ले रहा हूं तो दो मुझे नुकसान हो रहा है तो डेट इशू मत करना उधार मत लो, तब आप करोगे। करने से तुम्हारा अर्निंग शेयर बढ़ेगा अब डेट इशू करने से घटेगा

और अर्निंग पर शेयर निकाल लो नया वाला और कंपेयर कर लो कि तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है अगर बढ़ रहा है तो डेट इश्यू करना अच्छा है अगर घट रहा है तो फिर इक्विटी इशू करना अच्छा है ठीक है दूसरा तुम आर फाइंड आउट करो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लो फॉमूला लगा के और रेट ऑफ़ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहता है फिर आप कंपेयर कर लो अगर आर ज़्यादा है तुम्हारा तो भाई तुम डेट इशू करो और आर अगर कम है तो तुम क्लास इशू क्या करोगे इक्विटी इशू करोगे भाई रूल तो यही है ना आर ज़्यादा है तो डेट इशू करो आर कम है तो इक्विटी इशू करो तो आपको आर निकाल लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया रहता है कंपेयर करके देख लो सबसे सिंपल ये वाला है पर लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकली शो करके दिखाना है तो तुम्हें अर्निंग पर शेयर निकालना है अलग अलग केसेस में और फिर देखना है कि तुम्हारा अर्निंग पर शेयर पहले से बढ़ रहा है या घट रहा है बढ़ रहा है तो अच्छी बात है डेट इशू करना और घट रहा है तो फिर खराब बात है रुकना चाहिए आपको अब इसका प्रैक्टिकल रूल समझ गए हम अच्छे से अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलते हैं और दोनों मैथड से क्लास हम क्वेश्चन बना के देखेंगे तो नाउ मूविंग टू क्लास फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड ऑफ 40 लाख रुपए कंपनी को 40 लाख ,00 रुपए की जरूरत है नए प्रोजेक्ट के लिए तो कंपनी ने सोचा कि हम डेट और इक्विटी का एक मिक्स अपनाएंगे तरीका कुछ डेट कुछ इक्विटी तो कंपनी ने सोचा चालीस लाख ऑप्शन नंबर वन ऑल्टरनेटिव वन चालीस लाख इक्विटी डेट कुछ भी नहीं या फिर तीस लाख इक्विटी दस लाख डेट या दस लाख इक्विटी तीस लाख डेट क्या कर सकते हैं पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई को ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है नौ परसेंट जो डेट होगा वो नौ परसेंट इंटरेस्ट पे होगा मतलब इस पे जो इंटरेस्ट है वो नौ परसेंट है इस पर जो इंटरेस्ट है क्लास वो कितना है नौ है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सौ एच फेस वैल्यू सौ है तो ये चालीस लाख है तो चालीस हजार शेयर से इसका मतलब सौ का एक चालीस लाख ये तीस हजार शेयर से और ये दस हजार शेयर से सौ का एक बन गया दस लाख कंपनी का जो अर्निंग बिफोर एडिसन टैक्स है ये प्रॉफिट बिफोर एडिसन टैक्स बोलते हैं वो आठ लाख ,00 है कंपनी का टैक्स रेट थर्टी परसेंट का है अंडर विच ऑफ द थ्री अल्टरनेटिव इन तीनों अल्टरनेटिव से कंपनी के लिए क्लास कौन सा बेस्ट है जहां पे कंपनी एडवांटेज लेगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का यानी क्लास कंपनी को फायदा किस में होगा डज अर्निंग पर शियर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इसका आंसर सीधा नो है डज क्वेश्चन कह रहा है क्लास कि क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ेगा डेट को इशू करने से भी ऐसा किसने बोल दिया अगर आर ज्यादा है तभी ये स्टेटमेंट ट्रू है interest, तब अर्निंग बढ़ता है तो आपका ई पी तब अगर आपका डेट आप बढ़ाओगे तो ई पी एस बढ़ेगा हमेशा नहीं तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है ऑलवेज तो गलत है ऑलवेज नहीं होता तो आप लिखोगे नो इन इफ In 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 only the given case when ROI is greater than rate of interest, increase increase debt to earning, देख लेते हैं और EPS निकाल लेते हैं, ठीक है वैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर तो आइए क्लास देखो कैसे करेंगे इसको न्यूमेरिकली मैंने ऑलरेडी टेबल बना लिया ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव टू ऑल्टरनेटिव थ्री मैं समझाता हूं कैसे बनाया है तीन ऑल्टरनेटिव हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर है अब पहले कैपिटल सेक्शन में इक्विटी चालीस लाख का है चालीस हजार शेयर सौ का एक दूसरे कैपिटल सेक्शन में तीस लाख है शेयर का एक तीसरे केस में दस हजार शेयर सौ का एक डेट पहले केस में जीरो था दूसरे में दस लाख तीसरे में तीस लाख ये जीरो टेन लाख और थर्टी लाख यहां तक समझ आ गया टोटल कैपिटल फोर्टी लाख फोर्टी लाख फोर्टी लाख इनको चाहिए कितना फोर्टी लाख रेज करना है तो अलग अलग ऑप्शन है कैसे रेज करें तो यहां पे हो गए फोर्टी लाख अब आते हैं अर्निंग बिफोर इट एंड टैक्स इट इज गिवन एट लाख रुपीज ठीक है तो लिख लेते हैं अब मेन काम मैं अब लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखो प्रॉफिट कितने का ये तो में गिवन था ठीक है आप प्रॉफिट देखो कितने का है आठ लाख यहां भी प्रॉफिट कितने का है आठ लाख यहां भी प्रॉफिट कितने का है क्लास आठ लाख अब जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है यहां पे इंटरेस्ट है नाइन परसेंट तो आठ लाख का नौ तो यहाँ पर डेट कुछ है ही नहीं उसका नौ परसेंट जीरो दस लाख का नौ परसेंट यह बन गया क्लास नब्बे हजार रुपए और ये तीस लाख है डेट यहाँ पे तीस लाख का नौ परसेंट ये हो गया दो लाख सत्तर हजार तो आठ में से दो गया ये हो गया क्लास पांच लाख तीस हजार आठ में से नब्बे गया सात लाख दस हज़ार और आठ में से ज़ीरो गया तो कितना क्लास आ गया आठ लाख और जो टैक्स परसेंटेज है वो कितना है क्लास थर्टी परसेंट तो टैक्स क्लास थर्टी परसेंट है आठ का थर्टी परसेंट दो लाख चालीस हजार इसका थर्टी थर्टी परसेंट निकाल लेते हैं कितना आएगा सात लाख दस हज़ार का थर्टी परसेंट दो लाख तेरह हज़ार माइनस करोगे सात लाख दस हज़ार में से आएगा फोर लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड और पाँच लाख तीस हज़ार है उसका थर्टी परसेंट टैक्स जो बनता है वो आएगा वन लाख फिफ्टी नाइन थाउजेंड माइनस फाइव लाख थर्टी थाउजेंड यह आएगा थ्री लाख सेवेंटी वन थाउजेंड ठीक है अब आठ में से हो गया ये आ गया क्लास पाँच लाख साठ हज़ार अब अगर बात करें क्लास अर्निंग पर शेयर की वो कैसे निकलेगा जब आप नंबर ऑफ देखो ये हो गए अर्निंग टैक्स वैक्स देने के बाद हमारी अर्निंग ये बची इस केस में इतनी है इस केस में इतनी है इस केस में इतनी है तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करते चले जा रहे हैं हमारा जो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है बट हमें प्रॉफिट से कंपेयर नहीं करना हमें ई से कंपेयर करना है वो कैसे निकलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने चालीस हज़ार तो डिवाइड बाई फोर्टी थाउजेंड और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है क्लास कितना तीस शेयर्स है डिड बाई तो शेयर्स भी तो कम हो रहे हैं प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये आ गया दस हज़ार तो ये आ गया पाँच लाख साठ हज़ार डिवाइड बाई चालीस हज़ार ये आएगा चौदह रुपये फोर्टीन रुपीज़ पर शेयर और ये आएगा फोर लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड डिवाइड बाई तीस हज़ार यह आएगा सिक्सटीन था। पॉइंट फाइव सेवन पर फाइव फाइव सेवन पर शेयर और यह आएगा थ्री लाख सेवेंटी वन थाउजेंड डिवाइड बाई टेन थाउजेंड इट्स थर्टी सेवन पॉइंट वन

थर्ड अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है थर्ड अल्टरनेटिव कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए तो कंपनी को फंड्स रेज अगर करना है तो 10 लाख इक्विटी से और 30 लाख डेट से सबसे अच्छा ऑप्शन है तो जितना ज्यादा डेट ऐड होगा उतना ही अर्निंग कंपनी का बढ़ेगा और मैंने न्यूमेरिकली शो करके दिखा दिया और सबसे बेस्ट तरीका यही है बट आप एक चीज देखो आप यहाँ पे ना आर निकालो आर कैसे निकलेगा अगर आप यहाँ पे आर निकालोगे तो कैसे प्रॉफिट कितना है आठ लाख और जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो कितना है क्लास चालीस लाख इन टू हंड्रेड एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच चालीस लाख था ना तो कैसे कट गया फिर एक जो से एक कर दो चार कम चार चार दुनिया चार ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो यानी कि तुम्हारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ट्वेंटी परसेंट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कितना है नाइन परसेंट यानी कि अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो उस सिचुएशन में डेट ऐड करना अच्छा होता है जिसकी वजह से क्लास थर्ड ऑलरेडी सबसे अच्छा यहाँ पे जीरो डेट था या फिर और बढ़ाया और बढ़ाया आगे और बढ़ाओगे तो अर्निंग पर से और बढ़ेगा बट इस तरह से कैलकुलेट करने में आपको नंबर पूरे मिलेंगे नहीं बट हाँ ये तरीका भी देख लो दो तरीका है। या तो आप ई निकाल के देख लो पहले से कितना बढ़ रहा है घट रहा है या फिर आप क्लास आर वाई निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा कंपेयर कर लो दोनों को आर वाई ज्यादा है अगर रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डेट ऐड करो अदरवाइज इक्विटी यहाँ पे रिटर्न रिटर्नमेंट बीस परसेंट है रेट सिर्फ नौ परसेंट है तो डेट ऐड करना ही तुम्हारे लिए फेवरेबल है ये थर्ड केस सबसे बेस्ट है आई होप आपको समझ आ गया कैलकुलेशन वैसे ऐसे ही करना आप जैसे मैंने ये बताया आपको साफ so आप दिख देख क्लास थर्ड ऑल्टरनेटिव अर्निंग पर शेयर इज मैक्सिमम सो थर्ड ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू चूज ओके नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन शेयर शेयर कैपिटल है दस लाख डिवाइड है तो दस हजार शेयर है इनके पास एट द रेट हंड्रेड इच फॉर एक्सपेंशन रिक्वायर एडिशनल फंड ऑफ पांच लाख कंपनी को पांच लाख रुपए की जरूरत है हमारे पास पहला रास्ता क्या है पचपन हजार शेयर इश्यू कर दें सौ का एक या फिर दस परसेंट डिवेंचर पांच लाख के इशू कर दें यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दस परसेंट है कंपनी प्रेजेंट अर्निंग बिफोर अभी जो अर्निंग अभी, जो अभी, जो अभी अभी जो अर्निंग है वो चार लाख का है और अज्यूम करते हैं जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम आफ्टर एक्सपेंशन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंशन के बाद भी सेम है विच ऑल्टर शुड बी यूज ऑल्टरनेटिव वन और टू टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर तो अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा कब आएगा ये पूछा जा रहा है टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट आप एक काम करो सबसे पहले आप आर ओ निकाल लो बिफोर पहले जो आर आई था एक्सपेंशन से पहले का तो प्रॉफिट कितने का है चार लाख का और क्या अपने इंप्लॉयड कितने का था क्लास दस लाख इंटू हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया नहीं? मतलब दस हजार इंटू हंड्रेड टेन लैक्स इंटू हंड्रेड सिंपल सिंपल क्लास आ गया फोर्टी परसेंट तो आर ओ आई आफ्टर एक्सपेंशन भी सेम होगा आफ्टर एक्सपेंशन फोर्टी परसेंट है तो आर वाई कैसे निकालोगे प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स लेकिन अब जो कैपिटल इंप्लॉयड है दस तो पहले से ही था तुम्हारे पास दस तो पहले से था तुम्हारे पास शेयर्स अभी तुमने जो कैपिटल इंप्लॉयड है पांच लाख के पांच लाख का और एक्सपेंशन करोगे इसमें भी इसमें दोनों पांच लाख है तो अभी जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो कितने का क्लास पंद्रह लाख का इंटू हंड्रेड तो जीरो जीरो कट गया पंद्रह हजार इंटू चालीस ये आ गया क्लास आपका छह लाख रुपए तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स निकल कर आ गया वो कितना क्लास निकल के आ गया छह लाख रुपए तो पहले आपका जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट था वो था क्लास कितना आ गया वो कितना क्लास आ गया आपका छह लाख रुपए अब बताना है कि अब आपको बताना है क्लास कि विच ऑल्टरनेटिव शुड बी यूज मैक्सिमाइज द रिटर्न अब रिटर्न मैक्सिमाइज करेंगे कंपनी कौन सा कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करेगी कंपनी कौन सा कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगी तो ध्यान से समझना क्लास इसके लिए हम एक काम करते हैं इसके लिए भी एक हम बनाते हैं प्लान ए प्लान बी ई बी आई टी जो हमारा आया है वो है छः लाख तो प्रॉफिट कितना लिख दो छः लाख छः लाख अब प्लान ए में आप क्या कर रहे हो प्लान ए में आपके पास क्या है पाँच हज़ार इक्विटी है डेट कुछ भी नहीं है तो डेट बिल्कुल ज़ीरो हो गया लेकिन दूसरे प्लान में आपके पास पाँच लाख रुपए के डेट हैं दस परसेंट के हिसाब से पचास हज़ार का आपका इंटरेस्ट आएगा अगर पाँच लाख डेट है तो उसका दस परसेंट जो आएगा वो कितना क्लास आएगा पचास आएगा तो ई कितना आ गया छः लाख ये आ गया क्लास आपका पाँच लाख पचास जो टैक्स है वो फिफ्टी है टैक्स कितना है क्लास फिफ्टी है जो टैक्स है वह फिफ्टी परसेंट छह लाख का फिफ्टी परसेंट कितना हो गया तीन लाख पांच लाख पचास हजार का फिफ्टी परसेंट आएगा टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो हमारे पास निकलकर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स वो आएगा तीन लाख और ये जो आया क्लास पाँच पचास में से दो पचहत्तर गया टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है केस ए में कितने शेयर्स हैं मुझे बताओ पहले तुम्हारे पास थे दस हज़ार शेयर्स तुमने पाँच हज़ार शेयर्स और इशू कर दिए मतलब तुम्हारे पास टोटल पंद्रह हजार शेयर्स हैं दस हज़ार शेयर्स तो पहले से थे पाँच हजार शेयर्स और इशू कर दिया लेकिन यहाँ पे सारा का सारा पैसा किस से डेट से इशू किया है तो पंद्रह हजार नहीं आएगा दस हज़ार आएगा जो पहले था वही है दस हजार ही आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तीन लाख को डिवाइड दोगे पंद्रह हज़ार शेयर से तो आएगा बीस पर शेयर और यहाँ पे दो लाख पचहत्तर हज़ार को डिवाइड दोगे दस हज़ार शेयर से तो सत्ताईस रुपये पचास पैसे पर शेयर इसका मतलब क्लास हमें प्लान बी को सिलेक्ट करना चाहिए बिकॉज इन प्लान बी अर्निंग पर शेयर इज़ ग्रेटर देन प्लान ए तो अगर आप डेट ऐड करते हो तो क्लास अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ेगा और इस सिचुएशन में पक्की बात है यहाँ पे जो आर आ रहा है तुम्हारे पास वो आर 40 परसेंट की आर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 10 परसेंट तो ऑब्वियसली यार आर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट ऐड करना अच्छा है बट ये आपको पता है और आपने क्लासेस को न्यूमेरिकली शो करके दिखा दिया पूरे चार नंबर मिले कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्लान ए इज बेटर इसको देखेगा नंबर दे देगा आपको पढ़ेगा भी नहीं कुछ तो प्लान बी इज बेटर हियर कंपनी टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल फेवरेबल फाइनेंशियल लीवेज ठीक है या फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी शो योर वर्किंग दिखा दिया हमने क्लास ये क्वेश्चन हमारा हो गया ओके okay? नाउ एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये

ट्वेंटी परसेंट तो दो लाख अपन दस लाख इंटू हंड्रेड ये क्लास आ गया आपका कितना ट्वेंटी परसेंट और अगले स्टेट विद रीजन वेदर द द्जाम्पल अच्छा और क्या निकालना अर्निंग पर शेयर भी निकालना है तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरसेंट टैक्स आपका दो लाख रुपये दे रखा है माइनस करोगे इसमें से क्लास इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है आ, चार लाख है चार लाख उसका आपने चौदह परसेंट निकालना है छप्पन हजार प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स आपको दे रखा है दो लाख रुपए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड घटाओगे दो लाख में से तो आएगा एक लाख चौवालीस हजार प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स इंटरेस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर आप टैक्स माइनस करोगे टैक्स कितना है क्लास यहाँ पे फिफ्टी परसेंट है तो इसका फिफ्टी परसेंट माइनस कर दो जो कि सेवेंटी टू थाउजेंड तो आएगा, आएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक लाख चवालीस हज़ार माइनस सेवेंटी टू ये आएगा सेवेंटी टू सेम ही आएगा फिफ्टी परसेंट घटाएंगे तो तो ये आगे क्लास आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्वेश्चन में टेन शेयर्स एक दो तीन चार तो एक सेवन पर शेयर तो ये आगे क्लास आपका लिख लो सेवन पर शेयर

फेवरेबल फाइनेंशियल बिकॉज क्यों? बिकॉज इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है तो यहाँ पे क्लास हर टाइप के जो न्यूमेरिकल्स थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा सीखने को मिला होगा कुछ भी पसंद आई होगी क्लास वीडियो न्यूमेरिकल्स जनरली कोई टीचर कराता नहीं है बट मैंने क्लास आपको ये भी करा दिया मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ छूटे एग्जामिनेशन जाने से पहले अब अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो झटका लगेगा जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया बट जिन्होंने कर रखा उनके लिए क्लास ये बहुत अच्छा हो जाएगा गॉड नोस एग्जाम न्यूमेरिकल आएगा या नहीं आएगा बट हाँ बुक में है सिलेबस में है पेपर में पहले भी कई बार आया हुआ है तो आप सबको पढ़ के अच्छे से जाना चाहिए ठीक है तो मेरी तरफ से सब आपको ऑल द बेस्ट